अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। यहाँ पर जो है मेरी अम्मी पॉपकॉर्न बना रही है, तो पॉपकॉर्न के लिए अम्मी ने ये जो पैन है वगैरह ये चूल्हे पर रखा है, इसको गर्म करके उसमें ऑयल डाला है और इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही है अम्मी। और इसमें पॉपकॉर्न जा रहा है। अभी मामा इसको नमक के साथ मिक्स कर रही है। यहाँ पर जो हमारे पॉपकॉर्न पॉप हो रहे हैं, तब जो है सारे पॉपकॉर्न ऑलमोस्ट पॉप हो गए हैं। अभी पॉपकॉर्न की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। यहाँ पर पॉपकॉर्न सारे बन गए, अभी हम इसको डिश आउट करेंगे। वाच गरम दे। तो यहाँ पर जो है मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। तो एक्चुअली मैंने 4 o'clock 4:30 or 5:30 हमने नॉर्मली हमने खाया था अपना लंच और डिनर दोनों के लिए। तो अभी मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, साथ में रस खाऊंगी, तो ये मेरा मिडनाइट स्नैक हो जाएगा। मैंने अपने लिए पॉपकॉर्न बनाए थे तो वो भी हमने खा लिए, मम्मी के साथ थोड़े पॉपकॉर्न खा लिए। और अभी मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। तो मम्मी जो है आज ऑमलेट बना रही है, तो ये इसलिए हरा प्याज कट कर रही है। ऐसे ऑमलेट को बनाने में बहुत से तरीके होते हैं, अलग अलग तरह के ऑमलेट होते हैं, लेकिन हमें ये वाला ऑमलेट बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी इसमें मम्मी ने जो है धनिया काटा है। अभी जो है मम्मी इसमें अंडे फोड़ रही है, 4 अंडे हमने लिए। अभी नमक डाला है और अभी ब्लैक पेपर डाला है। वैसे हम मिर्ची पसंद नहीं है हमें इतनी ज़्यादा, वरना अम्मी चिली डाल दी थी, इसलिए मैंने अम्मी को बोला कि ब्लैक पेपर डाल दो। अभी हम इसको मिक्स करेंगे। अभी जो हमने पैन ले लिया उसको हम हीट करेंगे। ऑयल भी हमने इसमें डाल दिए।
ऑमलेट को जो हमने फ्लिप कर दिया है। तो फाइनली हमारा जो है वन ऑमलेट रेडी हो गया। अभी हमने दूसरा वाला चढ़ा दिया। वैसे ऑमलेट जो है वो तो छोटा बनता है, लेकिन अम्मी को लाइक इतना टाइम लेके, ऑमलेट तो टाइम भी लेते हैं पकने में, तो इसलिए अम्मी को जल्दी जल्दी पकाना था, तो मैंने पराठे की तरह बस इसको फैला दिया। फिर हमने इसको फ्लिप कर दिया। जब मैं ऑमलेट बना रही थी लाइक मुझे भी लाइक जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना होता है, लेकिन जब मैं इसको फ्लिप कर रही थी मेरा वाला तो मुझसे टूट गया था, लेकिन अम्मी का हेयर ही टूटा नहीं है। और इस पर जो है अम्मी ने काली मिर्च डाली है, इसकी आपको ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा होगा। तो हमारे दोनों ऑमलेट बन गए। ये वाला जम्बू साइज़ है, ये वाला स्मॉल साइज़ है। ये मोटा भी है और पराठे की तरह बड़ा भी है, फ्लफी भी है। दिस आर टू ऑमलेट्स। तो हमने नाश्ता वगैरह खरीद लिया है और मैं यूब को देने वाली हूँ विटामिन डी वाली मेडिसिन। तो ये ऐसी आती है, डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, डॉक्टर ने बोला है कि 0.5 ml देना। ये हो गया 0.5 ml। ये एक्चुअली मुझे जो लगता है ये ऑलिव ऑयल है, क्योंकि इसका टेस्ट सेम टू सेम ऑलिव ऑयल की तरह है। हाँ ये लो। वाओ, यू हैव अ बॉटल। मैं जो है यूको क्या कर रही हूँ, अभी ये ग्रिप वाटर भी दे रही हूँ। ये हमने पाकिस्तान से मंगवाया है, ये टीथिंग के लिए अच्छा होता है। तो मेरे अब्बू गए थे पाकिस्तान, उन्होंने ये लिया। तो इसको मैं सारा भर दूँगी इसकी तरह ऐसे। शर्ट सारी ऊपर कर लेते हैं ये। तो ये मैंने मेडिसिन दे दी इसको, ग्रिप पोर्ट दे दिया। तो जो है मैंने झाड़ू लगाया, लाइक हमने नाश्ता किया था और फिर मैं स्टडी कर रही थी, 2 घंटे स्टडी किया, फिर मैंने झाड़ू लगाया। अभी मैं यूब को मेडिसिन दे रही हूँ। वैसे ये अभी सो रहा था, ये अभी उठा है। अयूब अभी ये अपनी बोतल के साथ खेल रहा है, नहीं बोतल वाटर बोतल के साथ खेल रहा है। हाय बेबी, हाय हेलो बेबी, हाउ आर यू। तो ये जो है मैं अपने टॉयज देख पा रही हूँ। ये जो है इसके टॉयज हैं, सारे पड़े हुए हैं। तो मैं इसको लाइक अभी जो मुझे भी अपना काम करना है, तो मैं इसको लाइक जस्ट इसके साथ ऑक्यूपाइड रखूँगी, इन्वॉल्व हो इनके साथ। हेलो, यू लाइक दिस टॉयज? कार वगैरह है। Okay, wait, leave it, okay. Leave it. बच्चों की जो ग्रिप होती है ना माशाल्लाह से, वो बड़ी अच्छी होती है। देखो अभी वो इस चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अयूब, हेलो। जो है वो दूसरे वाले पैंपर्स जो है वो सारे, डायपर्स जो है वो सारे ख़त्म हो गए, तो मैंने न्यू लेकर आए। ये वाले चीकी वाले बहुत अच्छे हैं, इट्स वेरी कम्फर्टेबल, गुड है। ये यूब के बैंगल्स पड़े हुए हैं यहाँ पर, आपने देखा ही होगा वीडियोस में, ये पहनता रहता है। इन मम्मी को लाइक बैंगल्स, बच्चों को बैंगल्स पहनाना बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है, पसंद है मेरी मम्मी को बहुत। तो ये इसमें, ये पता नहीं मेरी बहन ने क्या कर लिया इसके साथ। तो एक ये वाला है और एक ये वाला, ब्लू एंड रेड, दोनों सेम है। यहाँ पर यूब, पता नहीं अयूब ये चाहिए ले लो। नो, आई एम नॉट गोना गिव यू दिस, आई विल शुड ईट देम। अभी जो है मैं इस जगह को सेट करती हूँ। ये जगह जो है आपने मेरी मोस्ट वीडियोज में देखा होगा,
ये जगह जो है वो ख़राब पड़ रही थी, क्योंकि ये टेबल जो है ना ऑक्यूपाइड रहता है, क्योंकि ये मेन टेबल है, इस पर हम इस्त्री भी करते हैं, कभी कभी स्टडी भी कर लेते हैं, चीज़ें भी रखते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स भी रखते हैं, तो इसलिए भी मैं इसको जल्दी से सेट करूँगी। ये कटोए, ये जो है मेरे अब्बू ने कल लाए थे, ये ब्राउन ब्रेड मेरी अम्मी के लिए, और ये जो फिंगर रोल्स जो हैं वो हमारे लिए। तो ये जो है रस्क, थोड़ी ये रहते हैं, बहुत थोड़े रहते हैं, ये मैं आज रात चाय के साथ खा लूँगी। फिर ये जो है वो हमने आपको एक पियानो अपने अयूब की वीडियोस में देखा होगा कि एक पियानो के साथ वो खेलता था, ये उसकी कार्ड्स हैं, इसको मैं ड्रॉअर में रख देती हूँ। तो ये जो अच्छा नहीं है, इसको भी मैं साइड में यहाँ पर रख देती हूँ। पेंसिल स्टेशनरी की जगह में रखना चाहिए। अयूब का ये पैसिफायर, यहाँ पर मैं इसको हैंग कर दूँगी ना यहाँ पर, तो अच्छा आएगा। अयूब जो है ये उल्टा हो गया। अयूब, आर यू डूइंग टमी टाइम? यू डूइंग टमी टाइम? तभी जो है हम जा रहे हैं बाहर, अम्मी ने, हमने खाना वगैरह खा लिया, अम्मी ने पकाए थे चना और राइस, हमने वो खाया, और अब जाएंगे बाहर। लेकिन पहले मैं ये चीज़ों को सिमटूंगी। ये है युग का सेरलैक है, जो वो खा नहीं रहा, सुबह से कोशिश कर रहे उसको खिलाने की लेकिन खा नहीं रहा, तो अभी वो जिसे यहाँ पर रख देंगे, पर न्यू बनाएंगे हम इसके लिए। तो जी, मैं आपसे दूसरे ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।